दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूं जो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमेशा याद रखने होंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारने होंगे। जब सफलता की बात आती है तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी बड़ी सफलता मिले, मेरे पास भी बहुत पैसा हो, मेरा भी नाम हो, लेकिन वह सीखने और अपनी आदतों को सुधारने पर ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि वह सफलता से दूर होता रहता है। तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनना और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, सक्सेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सफलता आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। दोस्तों, किसी भी काम में डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी परिस्थिति में सफल बना सकती है, चाहे फिर आपके अंदर टैलेंट हो या नहीं। सफलता हर व्यक्ति से अनुशासन ही मांगती है। जब आप अपने कार्य को पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो उसमें आपको अलग ही प्रकार की सफलता मिलती है। अनुशासन हमें जीवन में आगे बढ़ने का कम समय में अधिक अनुभव जैसे कई सारे अवसर प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य डिसिप्लिन में रहकर नहीं करता तो भले ही वो कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो और मेहनती क्यों ना हो, उसे आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली। डिसिप्लिन आपको दुनिया से अलग बनाता है। तो आपको डिसिप्लिन में रहकर ही किसी कार्य को करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस पूरी तरह अनुशासन पर निर्भर करती है। जब तक आपके अंदर अनुशासन है तब तक सफलता आपके करीब आती जाएगी। जब आप अपने जीवन से डिसिप्लिन को हटा देंगे तो उस दिन आपके जीवन में परेशानियां और मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट, इफ यू कांट टेक रिस्क यू सेटल फॉर ऑर्डिनरी। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप एक एवरेज व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। सफलता के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी जीवन में कुछ नया नहीं कर सकते और आपको एक एवरेज व्यक्ति की तरह जीवन गुजारना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास वही व्यक्ति रचता है जो कुछ नया करता है, और नया तभी होता है जब वो रिस्क लेता है। एक दूसरे की नकल तो पूरी दुनिया कर रही है, इसलिए वहाँ रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए जहाँ आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और उसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्क तो हर जगह है। अगर आप रिस्क लेने से डरेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्क लेने से आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हैं, जिससे आपको सफलता अधिक मिलती है और आप एक एवरेज व्यक्ति से ज़्यादा सफल हो जाते हैं। आप अपनी खुद की सीमा को तोड़ सकते हैं। रिस्क लेना अपने आप में सही है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गलत कार्य करने में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि गलत कार्य करने ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय लक। आपका जीवन भाग्य से बेहतर नहीं बनता, बल्कि आपको कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कभी कभी आपका भाग्य आपका साथ दे, लेकिन सिर्फ भाग्य से आपका जीवन बेहतर नहीं बनता। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति की सफलता कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, उसमें सफलता मिलना तो तय ही है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आपको सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो तीन पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इसमें सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।